एवरीवन कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज की हमारी कौन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। होप गाइस कि आप सभी बढ़िया होंगे। वाइज मेरा नाम अभिषेक और आप देख रहे हो डेली टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है मोटोरोला की तरफ से। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मोटो G71 5G के ऊपर। अगर आपके पास है तो गाइस हो सकता है कि वैसे में दोस्तों आपके फोन का कोई भी पार्ट डैमेज हो गया। अगर दोस्तों हो सकता है कि अनलाइन टाइम अगर आपके फोन का कोई भी पार्ट डैमेज हो जाए तो वैसे में दोस्तों आप अपने फोन के किसी भी पार्ट्स के रिप्लेसमेंट प्राइस का आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं होगा कितने रुपये का रिप्लेसमेंट प्राइस पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी को मोटो G70 के दोस्तों कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि दोस्तों बैटरी, बैक पैनल, डिस्प्ले, मेन बोर्ड, यूएसबी केबल, चार्जर, इन सारे पार्ट्स की आपको एक एक करके रिप्लेसमेंट प्राइस बताऊंगा बिना सर्विस सेंटर जाए हुए। तो गाइस आप वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, कहीं भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, उसको प्रेस करके घंटा बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी हर आने लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे को बता दूं दोस्तों, जो मैं आपको प्राइस बताऊंगा दोस्तों वो सिर्फ पार्ट की वर्जन प्राइस बताऊंगा। लेकिन दोस्तों जब आप सर्विस सेंटर पर जाएंगे तो वहां पे दोस्तों आपको अलग से एक एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा दोस्तों, जो कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा किन लोगों को एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा और किन लोगों को एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बैटरी डिपार्टमेंट की। दोस्तों अगर बैटरी डिपार्टमेंट की बात करूं तो आपको 5000 mAh की आपको बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। तो नो डाउट बैटरी अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि आने वाले टाइम एक फ्यूचर दोस्तों हो सकता है किसी भी रीजन से अगर आपकी बैटरी खराब हो जाती है, बैटरी बैकअप कम कर दे, तो वैसे में आप अपने बैटरी को रिप्लेसमेंट एक्सचेंज कराने जाते हैं मोटो सर्विस सेंटर पे। तो जो वहाँ पे उसकी रिप्लेसमेंट प्राइस 1447 बैटरी की रिप्लेसमेंट प्राइस आपको देनी पड़ जाएगी। तो नेक्स्ट गाइस बात करते हैं दोस्तों बैक पैनल की। दोस्तों बैक पैनल की बात करूँ तो गुड एंड हार्ड प्लास्टिक बैक में आपको प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों हो सकता है किसी भी रीजन से दोस्तों अगर आपका बैक पैनल खराब जाए, बैक पैनल टूट जाता है, तो वैसे में आप अपने बैक पैनल को रिप्लेसमेंट आप एक्सचेंज कराना चाहते हो मोटो सर्विस सेंटर पे, तो वहाँ पे उसकी रिप्लेसमेंट प्राइस अराउंड आपको 800 के आसपास आपको बैक पैनल की रिप्लेसमेंट प्राइस आपको देनी पड़ जाएगी। तो नेक्स्ट आज बात करते हैं दोस्तों चार्जर की। दोस्तों अगर आपका चार्जर खराब हो जाता है, चार्जर किसी भी रीजन से अगर आपका चार्जर डैमेज हो जाता है, तो वैसे में आप अपने चार्जर को नया लेने जाते हो तो आज वहाँ पे उसकी कॉस्ट 901 rupees देने पड़ जाएंगे। अराउंड आपको 900 के आसपास आप चार्जर की कॉस्ट आपको देनी पड़ जाएगी। तो नेक्स्ट साइज बात करते हैं इसका सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की। दोस्तों अगर डिस्प्ले की बात करूँ तो नो डाउट आपको डिस्प्ले डिपार्टमेंट में अच्छा खासा डिस्प्ले पैनल देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर डिस्प्ले की बात करूँ, डिस्प्ले आप 6.4 इंच की फुल एचडी प्लस आपको एमोलेड पैनल देखने को मिलता है। तो नो डाउट आपको डिस्प्ले डिपार्टमेंट पे A1 क्वालिटी की आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों हो सकता है किसी भी रीजन से अगर आपका डिवाइस गिर जाता है और गिरने की वजह से दोस्तों आपका जो स्क्रीन या फिर डिस्प्ले प्रॉपर टूट जाती है, खराब जाती है, तो वैसे में आप अपने डिस्प्ले को फिर स्क्रीन को रिप्लेसमेंट कराना चाहते हो मोटो सर्विस सेंटर पर, तो वहाँ पे उसकी रिप्लेसमेंट प्राइस 5180 rupees देने पड़ जाएंगे। अराउंड आपको 5200 के आसपास आपको डिस्प्ले पर स्क्रीन की रिप्लेसमेंट प्राइस आपको देनी पड़ जाएगी। तो नेक्स्ट आज बात करते हैं दोस्तों यूएसबी केबल की। दोस्तों यूएसबी केबल की बात करूं, अगर आपका चार्जर का यूएसबी केबल डैमेज होता है, खराब हो जाता है, तो ऐसे में आप अपने चार्जर को केबल को नया लेने जाते हैं तो आज उसकी कॉस्ट आपको देनी पड़ जाएगी 249 rupees। अराउंड आपको 250 के आसपास आपको चार्जर की केबल की रिप्लेसमेंट प्राइस आपको देनी पड़ जाएगी। तो आई होप गाइस कि आप सभी को आइडिया लग गया कि दोस्तों आपके फोन की पार्ट की क्या रिप्लेसमेंट प्राइस आपको सर्विस सेंटर पे देनी पड़ जाएगी। दोस्तों अगर आपका डिवाइस इन वारंटी में है तो आपको सिर्फ पार्ट की ओरिजिनल प्राइस देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपका डिवाइस आउट ऑफ वारंटी है तो वैसे में दोस्तों आपको इस प्राइस के साथ साथ आपको अलग से सर्विस चार्ज भी देना पड़ेगा। तो आई होप गाइस कि आप सबको वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके घंटा उनको प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी हर आने लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।